हेलो स्टूडेंट्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस चैप्टर चल रहा है जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं और प्लांट्स में डिटेल में पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स ऐसा मेथड जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे लीफ, रूट या स्टेम से नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में लीफ, रूट, बल्ब बल्बिंस ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम फोर्थ पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम सोइल के नीचे होता है और उस स्टेम से नए प्लांट्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इन सम प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर्स फूड फॉर पेरिनेशन। पेरिनेशन को आप टॉप पर लिख दीजिए डेफिनेशन। पेरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग जर्म प्लाज्म या फिर जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करने की जो टेक्निक है और ट्वीज उसके पास उसको पेरिनेशन बोलते हैं। एंड पजेस बर्ड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सूट। एक एग्जाम्पल हम पटेटो का ले लेते हैं। पटेटो अंडरग्राउंड स्टेम बनाता है मोटा, जो हम खाते हैं वो पटेटो का स्टेम है। वो पटेटो ने स्टेम क्यों बनाया है? क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो पटेटो के जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व कर पाए, इसलिए बनाया है उसने। ठीक है, लेकिन उसका एक और काम क्या हो गया कि उस पटेटो के ऊपर आपने देखी होंगी लाइंस होती हैं, बर्ड्स या आईज बोलते हैं उनको हम, वो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं। ऐसी बर्ड्स एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो हर एक आई से एक प्लांट डेवलप होता है। कई बार आपने देखा हो आपके किचन में रखे हुए पटेटो में भी अगर मॉइस्चर उसको मिले तो थोड़ी थोड़ी प्लांट लीफ डेवलप होने लग जाती है। तो वो वेजिटेबल प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पटेटो के अंडरग्राउंड स्टेम को हम ट्यूबर बोलते हैं, ये याद रखना है। ऑनियन के अंडरग्राउंड स्टेम को बल्ब बोलते हैं। मिंट के अंडरग्राउंड स्टेम को शकर बोलते हैं। ग्रास के और ऑक्जेलिस दो, इनके अंडरग्राउंड स्टेम को रनर बोलते हैं। जिंजर, टर्मरिक और बनाना के अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम बोलते हैं। यानी कि बनाना में स्टेम ग्राउंड के नीचे होता है। आपने जो ग्रीन पार्ट देखा है वो उनके लीफ बेस से मिलकर बना हुआ फॉल्स स्टेम। ठीक है, तो ट्रू स्टेम अंडरग्राउंड होता है। ये तो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है चार टाइप का। स्पेशलाइज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से हम ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से, लेयरिंग से और ग्राफ्टिंग से। स्पेशलाइज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में है स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट्स लाइक पोटेटो, जिंजर, सुगर केन कैन बी यूज टू ग्रो क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल। पोटेटो एग्रीकल्चर कैसे होता है? उसके पीसेज बनाकर। ठीक है, तो पोटैटो में एक स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है? ट्यूबर। और उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके एग्रीकल्चर में पोटैटो का फॉर्मेशन करते हैं। कटिंग, प्लांट के किसी पार्ट को पीसेज में कट करते, हर एक पीस से नया प्लांट डेवलप कर ले, जैसे सुगर केन, रोज। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है? एक बड़े से प्लांट की ब्रांच जो अनमेच्योर्ड है उसको नीचे बेंड करके सोइल से कवर कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद उस ब्रांच में से रूट निकल जाते हैं सोइल में और यहां से कट कर देते हैं, वो अपने आप में एक नया प्लांट बन जाता है, जैस्मिन, ग्रेपवाइन। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ये एक ओल्ड टेक्निक है, प्लांट्स की जो वैरायटी है उसको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स उसमें डालना। ठीक है, तो जो प्लांट जिसमें पुअर कैरेक्टर्स हैं वो रूटेड होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक। जिसमें अच्छे कैरेक्टर होते हैं उस प्लांट का स्टेम उतनी ही थिकनेस में काट के और ओब्लिक एक दूसरे से इस तरह से चिपका देते हैं, जिससे सियोन, ये तो सियोन है और ये रूटेड प्लांट स्टॉक है, इसके कैरेक्टर्स इसमें चले जाते हैं और एक अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स उस पर भी डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल एंड अदर डाइकोट। लेकिन ध्यान रखना मोनोकोट में कभी ग्राफ्टिंग नहीं होती क्योंकि उनमें वेस्कुलर बंडल्स अरेंज नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड जाइलम फ्लोएम होने की वजह से एक दूसरे को अरेंज नहीं हो पाते, इसकी वजह से ग्राफ्टिंग मोनोकोट्स में नहीं होगा। ठीक है, तो ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब लेबोरेटरी में एक प्लांट से नया प्लांट का फॉर्मेशन एक सेल से कैसे किया जा सकता है वो समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसको देखो। नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल मेथड, जो लेबोरेटरी में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है, प्लांट टिश्यू कल्चर। द मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स इन विट्रो। इन विट्रो टर्म का मतलब होता है इन लेबोरेटरी। कोई भी काम जब लैब में होता है तो उसको इन विट्रो बोलते हैं।
यूजिंग लिविंग प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब किसी प्लांट की लिविंग एक सेल ले लो या टिश्यू ले लो या फिर एक ऑर्गन ले लो, उसको लेबोरेटरी में एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम जिसको हम कल्चर मीडियम बोलते हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो करके नया प्लांट डेवलप किया जा सकता है। इस टेक्निक को प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई भी एक प्लांट से लीफ ले ली, उस लीफ से एक सेल आइसोलेट कर ली, उस सेल को जिसको यूज किया जाता है नया प्लांट बनाने के लिए उसका हम बोलते हैं एक्स प्लांट। डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, पहले ये डायग्राम बनाना है और उसके नीचे मैं 5 डेफिनेशन बोलूंगा वो लिख लिया। तो ये एक्स प्लांट ले लिया, कल्चर मीडियम में डाल दिया। कल्चर मीडियम क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। उस कल्चर मीडियम में से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और 1 से 2 वीक में सेल डिवीजन से ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा। तो ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन इन एक्स प्लांट इज कॉल्ड टेलस। क्या बोलते हैं? टेलस। टेलस में अब दो प्लांट हॉर्मोन डालते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन तो रूट बनवाएगा, साइटोकाइनिन स्टेम बनवाएगा और एक नया प्लांट बन जाएगा लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक, ठीक है। पहले डायग्राम बनाए उसके बाद डेफिनेशन बोलना, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन इसी टॉपिक में लिखेंगे, टोटिपोटेंसी। द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन टू डेवलप इनटू होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। सेकेंड, एक्स प्लांट। द प्लांट पार्ट विच इज टेकन इन विट्रो टू डेवलप न्यू प्लांट इज कॉल्ड प्लांट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। इट मे बी रूट स्टेम और लीव और देयर पार्ट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, टेलस। द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिविजन इन एक्स प्लांट इज कॉल्ड टेलस। कल्चर मीडियम। द मिक्सचर ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट इज कॉल्ड कल्चर मीडियम। नेक्स्ट है ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। These are plant hormones used to develop roots and shoot in callus respectively during plant tissue culture. Auxin root बनवाएगा, cytokine shoot बनवाएगा। और last है the newly formed small plant through plant tissue culture is called plantlet. ठीक है, एक और definition लिख लें, यहां पर लिख रहा हूं माइक्रो प्रोपागेशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर इन स्मॉल टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन, ठीक है। तो पहले वो डेफिनेशन थी, फिर डायग्राम और फिर ये सारे डेफिनेशन आपको करनी है। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप टेबुलर फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखिए, फिर आंसर में टेबुलर फॉर्म में लेफ्ट में लिखें एसेक्सुअल और राइट में लिखें सेक्सुअल। फर्स्ट डिफरेंस आएगा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। सेकेंड डिफरेंस आएगा no formation and fusion of gametes, formation and fusion of gametes takes place. Third difference आएगा mostly mitosis cell division involved, mostly mitosis and meiosis both type of cell division involved. Fourth occurs in lower organisms and some higher organisms, occurs in most higher organisms and some lower organisms.
फिफ्थ आएगा प्रोड्यूसेस क्लोन्स डू नॉट प्रोड्यूस क्लोन्स। सिक्स आएगा ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट शो वेरिएशंस, ऑफस्प्रिंग्स शो वेरिएशंस। सिक्स आएगा लेस चांसेज ऑफ इवोल्यूशन, मोर चांसेज ऑफ इवोल्यूशन। सेवन्थ आएगा एग्जाम्पल लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, स्पॉन्जेज, हाइड्रा, फंजाई एटसेट्रा। इसमें लिखेंगे हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सिक्स सेवन डिफरेंसेस हो गए, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे मेंशन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एडवांटेज तो क्या होगा, ऑल गुड कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर रीस्टोर्ड इन ऑफस्प्रिंग्स एंड अकर्स इन वेरी लेस टाइम पीरियड। डिसएडवांटेज क्या होगा, देर आर नो वेरिएशंस हेंस नो चांसेज और लेस चांसेज ऑफ इवोल्यूशन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड है व्हाई हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन क्यों प्रिफर किया जाता है जबकि एसेक्सुअल से भी हो सकता है। तो आंसर आएगा बिकॉज इट क्रिएट्स वेरिएशंस व्हिच कॉज इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि गैमेट बनते और फ्यूज होते हैं इसलिए इसमें वेरिएशन आती है जिससे इवोल्यूशन होता है। इट फॉर्म्स सम रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मैंने अभी बताया था कि अनफेवरेबल कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे वीट फेवरेबल कंडीशन में तो ग्रो करेगा, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आने लगी यानी कि गर्मी आने लगी वो सीड बनाएगा और खुद मर जाएगा। अब इस सीड में उसका जेनेटिक मटेरियल गर्मियों में यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्टोर रहेगा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो सीड ग्रो करके नया प्लांट बना देगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी स्ट्रक्चर भी बनती है जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। इट इंक्रीजेस अडैप्टेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेरिएशन ज्यादा आती है उनमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट, तीन क्वेश्चन हो गए। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन क्या है सुन लीजिए, वही लिखना है आपको पॉइंट की फॉर्म में। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स एंड अकर्स बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग मेन स्टेप्स। अब मेन स्टेप्स में लिखे स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्टेप टू ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, स्टेप थ्री फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ब्रैकेट में लिख देना फर्टिलाइजेशन, और स्टेप फोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, चार स्टेप्स लिखेंगे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चार स्टेप आएंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर पढ़ेंगे ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हेडिंग डालें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें लिखें फर्स्ट पॉइंट द प्लांट्स ऑफ किंगडम प्लांटी विच प्रोड्यूस फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स। हमने पांच डिविजन पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें से सिर्फ एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट था इसलिए उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट के किस पार्ट से फ्लावर डेवलप होता है, सूट यानी कि स्टेम से होता है। इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि स्टेम पे भी नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं और फ्लावर में भी नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। विच इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्लावर का एक प्लांट में क्या काम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम। ठीक है, तो फ्लावर का डायग्राम बना के उसके पार्ट्स लेबल करके फंक्शन बताता हूं, ये लिखिए आप पॉइंट जैसे मैंने बोले उसी तरह से। नेक्स्ट है फ्लावर का डायग्राम, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तो स्टैमन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। ठीक है, स्टैमन में दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला जहां पर पोलन ग्रेन बनते हैं वो होता है एंथर, और ये नीचे जाके जहां से जुड़ा होता है ये पूरी स्ट्रक्चर होती है फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा जहां पर पोलन ग्रेन आकर गिरेंगे, स्टाइल जिससे पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगी, और ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है
स्टिग्मा, स्टाइल और तीनों मिलकर पिस्टिल या कार्पल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। जहां से स्टाइम से अटैच है उसको स्टोक या पेडिसेल बोलते हैं और बेसल जो ये थोड़ा सा वाइट पार्ट है इसको थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं। ग्रीन कलर के सबसे बाहर की तरफ जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको सेपल्स बोलते हैं और पूरे सेपल्स के एक सर्कल को कैलिक्स बोलते हैं। उसी उससे जस्ट ऊपर कलरफुल और जिनमें फ्रेग्रेंस, नेक्टार, सेंट्स, परफ्यूम जैसी खुशबू होती है वो होते हैं पेटल्स, और पूरे पेटल्स के कंप्लीट सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, तो हर एक पार्ट का पहले फंक्शन लिखते हैं, तो आप एक एक करके फंक्शन लिखते जाएं। फर्स्ट लिखें स्टैमन, फर्स्ट हेडिंग इस डायग्राम के बाद स्टैमन, इसमें लिखिए इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंटेन्स टू सब पार्ट दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसी में एंथर इज प्लेस फॉर पोलर ग्रेन्स फॉर्मेशन एंड फिलामेंट जॉइंट्स एंथर विद थैलेमस। दो पॉइंट हो गए। उसके बाद लिखें पिस्टिल और कार्पल, सेकेंड हेडिंग में पिस्टिल और कार्पल, इसमें लिखें इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंटेनिंग थ्री सब पार्ट्स दैट इज आई डॉट ई डॉट लगा दिया करो दैट इज के लिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगला पॉइंट लिखें स्टिग्मा इज रिसेप्टिव सरफेस, ब्रैकेट में लिख दें लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रैकेट क्लोज फॉर पोलन ग्रेन्स एंड स्टाइल इज ट्यूबुलर पार्ट थ्रू विच पोलन ट्यूब ग्रोथ्स, थ्रू विच पोलन ट्यूब ग्रोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ओवरी इज बेसल वाइड पार्ट विच कंटेन्स ओव्यूल एंड कन्वर्ट्स इंटू फ्रूट आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड लिखें सेपल्स, एडिंग सेपल्स, इसमें लिखें दीज आर लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर्स विच प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ था तो बड था तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे सेपल्स। नेक्स्ट लिखें पेटल्स, दीज आर कलरफुल एंड कंटेन नेक्टार, NECTAR नेक्टार कॉमा फ्रेग्रेंस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। ओके, चार पार्ट्स हो गए, चारों के फंक्शंस बता दिए। उसके बाद पॉइंट चेंज करके नई एरो लगा के लिखें ए बाइसेक्सुअल फ्लावर हैव टू टाइप ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, ए बाइसेक्सुअल फ्लावर हैव टू टाइप ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। लेफ्ट में लिखें एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स और राइट में लिखें एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स। टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स, एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स। एसेसरी में लिखें द फ्लोरल पार्ट्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेंशियल में लिखें द फ्लोरल पार्ट्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड डिफरेंस लिखें नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर और उसमें लिखें गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, दो डिफरेंस हो गए। थर्ड लिखते हैं एग्जाम्पल, एसेसरी में लिखें सेपल्स एंड पेटल्स, एसेंशियल में लिखें स्टैमन एंड कार्पल। ओके, हो गया कंप्लीट यहां तक। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के पार्ट्स हो गए सारे, सभी पार्ट्स के फंक्शंस हो गए। ठीक है, एंजियोस्पर्म से मोस्टली में तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं लेकिन
कुछ ऐसे भी हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो अगला पॉइंट उस टेबल के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कंटेन टू टाइप ऑफ फ्लावर्स। ठीक है लिख दिया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कंटेन टू टाइप ऑफ फ्लावर्स। लेफ्ट में लिखे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और राइट में लिखे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर मेल ब्रैकेट में स्टैमन ब्रैकेट क्लोज और फीमेल ब्रैकेट में लिखते हैं पिस्टिल ब्रैकेट क्लोज रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाइसेक्सुअल में लिखे द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं पपाया, डेट पाम और उसमें लिखते हैं मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स लाइक रोज मैंगो एक्सेट्रा, रोज मैंगो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ सारी डिटेल फ्लावर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। ठीक है, स्टेप्स और बच गई है फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में कंप्लीट होगा। तो हर एक चीज को हेडिंग टेबुलर फॉर्म में उसी तरह से लिखें। कई बार आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में जो कोई अच्छे से वर्क डाले, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वर्क हो उसको भी देखकर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन नोट्स अच्छे से बनाए, कोई गलती नहीं करें। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और सिक्वेंशियली नोट्स बनाए जैसे मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू।